नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फिनोटेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर ने हमसे कमेंट सेक्शन में एक सवाल पूछा है कि उनकी उम्र 60 साल है और उनके पास रिटायरमेंट के 50 लाख रुपए का फंड है, तो वो जानना चाहते हैं कि वो इस पैसे को कहाँ निवेश करें कि उन्हें हर महीने 40 से 50 हज़ार रुपये की रेगुलर इनकम होती रहे। दोस्तों, हम समझते हैं कि ये सवाल सिर्फ उनका नहीं है, इस उम्र के आसपास के सभी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि रिटायरमेंट का पैसा कहाँ निवेश करें कि उनको एक रेगुलर इनकम मिलती रहे जिससे वो अपना घर खर्च चला सकें। तो दोस्तों, इसी सवाल के जवाब में हमने ये वीडियो बनाया है कि कैसे आप इस पैसे को निवेश करके 40 से 45 हज़ार रुपये की मंथली इनकम बना सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपके काम का है, जानकारी आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको इस पैसे को डिप्लॉय करना हो, निवेश करना हो, तो आप किस किस जगह पर इस पैसे को निवेश करेंगे ताकि 40 से 45 हज़ार रुपये का मंथली इनकम बन सके। तो आइए दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस सवाल में व्यूअर ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि उनकी रिस्क एपेटाइट क्या है, कितना रिस्क वो ले सकते हैं, इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर थोड़ा कंजर्वेटिव ही सोच मान के चलते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद रिस्क लेने की क्षमता ऐसे भी कम ही हो जाती है। तो हम यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट या इसके इक्विवेलेंट जो स्कीम्स हैं उन्हीं में अपना ये पैसा निवेश करेंगे। आपकी रिस्क एपेटाइट अलग हो सकती है, हो सकता है आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट के जो आइडियाज़ हैं वो भी बदल जाएंगे और हो सकता है इसी पैसे से और भी ज़्यादा की मंथली इनकम जनरेट की जाए। तो पूरे कॉर्पस का 80% हिस्सा हम सेफ इन्वेस्टमेंट, सिक्योर इन्वेस्टमेंट में निवेश करेंगे और करीब 20% का हिस्सा हम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व हो। तो बात करते हैं पहले इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि इनकी उम्र 60 साल है तो ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने के लिए एलिजिबल हैं और यहाँ पर हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की पूरी लिमिट यूज करेंगे, यानी एक व्यक्ति उसमें मैक्सिमम 30 लाख रुपये डिपॉजिट कर सकता है। तो हम यहाँ पर अपना 50 लाख में से 30 लाख रुपए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करेंगे जहां से हमें 8.2% का सालाना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एक साल का जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 2,46,000 रुपए। एक महीने का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 20,500 रुपए यहाँ पर बनेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको इंटरेस्ट हर क्वार्टरली आपको अकाउंट में दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए उसको मंथली मान के चल रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पर टैक्स फैक्टर भी अप्लीकेबल होगा, क्योंकि हमारा जो एक साल का इंटरेस्ट है वो 2,46,000 रुपये है और ये सीनियर सिटीजन्स के लिए जो टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है 50,000 रुपये की, उससे ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पर 10% का TDS हमारा काट लिया जाएगा और उसके बाद बचा हुआ पैसा हमारे सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा। तो एक महीने का हमारा यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट बन रहा था 20,500 रुपये, तो उसका 10% यानी 2,050 रुपये टोटल निकल जाएगा। तो नेट जो हमारे खाते में मंथली इनकम आने वाली है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 30 लाख रुपये निवेश करने से, वो बनेगी 18,450 रुपये। अब हम देखते हैं दूसरा सेफ इन्वेस्टमेंट, सिक्योर इन्वेस्टमेंट, जो कि है पोस्ट ऑफिस का MIS यानी मंथली इनकम स्कीम। पोस्ट ऑफिस MIS की भी हम यहाँ पर मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट ही यूज़ करने वाले हैं। एक व्यक्ति इसमें मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक निवेश कर सकता है और इसमें इंटरेस्ट रेट 7.4% है फिलहाल। तो अगर हम इसमें 9 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हमारा एक साल का जो ब्याज बनता है वो बनेगा 66,600 रुपए और उसको अगर हम मंथली कैलकुलेट करेंगे तो 5,550 रुपए हमारे यहाँ पर बनेगा एक महीने का, जो पोस्ट ऑफिस हमारे सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। यहाँ पर कोई TDS काटा नहीं जाता है, सिर्फ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ही हमारा TDS कट रहा था। तो यहाँ पर हमारा जो दोनों सेफ इन्वेस्टमेंट था उसमें हमने टोटल 39 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए, जिससे हमें 24,000 रुपए की मंथली इनकम हो रही है एक महीने की। अब इसके अलावा दोस्तों, हमें लगता है कि यहाँ पर जो 11 लाख रुपए का जो अमाउंट बचा हुआ है वो किसी बैलेंस एडवांस फंड में या इक्विटी हाइब्रिड फंड में निवेश करना चाहिए। अगर वो यहाँ पर अपना 11 लाख रुपए किसी इक्विटी हाइब्रिड फंड में या बैलेंस्ड एडवांस फंड में निवेश करते हैं 5 साल के लिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चलिए 10% का मिल रहा है, और अगर 18,000 रुपये का SWP किया जाता है तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट बन जाएगा 11 लाख का, टोटल विड्रॉल बन जाएगा 10,80,000 रुपये का, और उसके बाद भी यहाँ पर 3,93,000 कुछ रुपये यहाँ पर बच जाएंगे। तो अब हमारे पास टोटल कितना हुआ,
हमारे पास 18,450 रुपये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से आए, 5,550 रुपये पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम से आए और 24,000 रुपये हमारे पास SWP से आए। तो जो टोटल अमाउंट बन गया मंथली वो बन गया यहाँ पर 42,000 रुपये का। क्योंकि उन्होंने अपने सवाल में कहीं भी रिस्क एपेटाइट का जिक्र नहीं किया था, तो हम यहाँ से बिल्कुल कंजर्वेटिव होके यहाँ पर हमने ये इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ बताए हैं और उसी हिसाब से ये डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी बताई गई है। अगर कोई निवेशक रिस्क ले सकता है रिटायरमेंट के बाद भी, तो उनके लिए एक और ऑप्शन है, पूरा पैसा किसी इक्विटी फंड में या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में डाल दिया जाए और वहाँ से 40,000 का SWP ले लिया जाए। यहाँ हम पूरा पैसा 50 लाख अगर किसी म्यूचुअल फंड में डालते हैं और 40,000 रुपये SWP करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% ही यहाँ से हम लेके चलते हैं 5 साल के लिए, तो हमारा टोटल विड्रॉल बन जाएगा 24 लाख रुपये का और उसके बाद भी 49,90,000 मतलब करीब 50 लाख रुपये हमारे फंड में रहेंगे। दोस्तों दिखने में ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, हमें लग रहा है कि यही करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए ये बहुत ही रिस्की अफेयर होने वाला है। अगर रिटायरमेंट के बाद आपके पूरे पैसे किसी एक या दो फंड में ही रखे हुए हैं और बाजार गिरने लगता है, आपके जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है, आपके फंड की जो वैल्यू है NAV है वो कम होने लगती है, तो सभी लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अपने पोर्टफोलियो को गिरते हुए देखना बहुत मुश्किल होता है। ये दिखने में थोड़ा आकर्षक जरूर लग रहा है, लेकिन आपके पास अगर सिर्फ 50 लाख रुपए ही हैं, अपना 50 लाख रुपए का ही कॉर्पस है, तो ये रास्ता थोड़ा ज़्यादा ही रिस्की हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो अपनी अप्रोच है उसको कंजर्वेटिव रख के कैसे आपको अपने जो रोज़मर्रा के या महीने के खर्चे के लिए पैसे निकालने हैं उसके लिए यहाँ पर जो निवेश का आइडिया है वो दिया है। तो ये हमारी यानी फिनोटेक की तरफ से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, 50 लाख रुपए को निवेश करके कैसे आप 40,000 रुपए पर मंथ ले सकते हैं। हमें ये जानने में बहुत दिलचस्पी रहेगी कि आप इस पैसे को कैसे डिप्लॉय करेंगे ताकि उन शख्स को 40,000 रुपए पर मंथ मिलते रहें। कमेंट करके ये आप ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। फिलहाल के लिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आई होप बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के लिए फिनोटेक YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।